जब शेख साहब को 1953 में गिरफ्तार किया गया, 22 साल तक रायशुमारी का नारा देते रहे, फिर 75 में जब उसको पागल कुत्ते ने काटा था, वो वजीर आला बन के उसी गिरनी कुर्सी पे बैठ गया और कौन सी अटर्मी बात करोगे। जब तुमने इनाम दिला 1 लाख में अपने सन की नैन नशे होते चौधरी गुलाम अली आपको मालूम है जुमला बजे शुरू कर लिहाजा आशु के मुख वही मैं बिकने वाला उमर साहब को तभी याद आता है जब उन्हें वोट लेना होता है। कल उन्होंने कहा कि हमें अपना वजीर आजम होना चाहिए। साफ बात है कि उधर से मोदी ने उसका रिएक्शन में बयान भी दिया। ये मोदी और एनसी का मैच फिक्सिंग है। अकबर साहब ने बयान दिया था कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस खतरनाक है, अगर आपको याद हो। ये अब्दुल्ला साहब ऐसा कहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उसका रिएक्शन देखे उमर अब्दुल्ला की मदद करते हैं। मुझे बताइए, जो मैंने अभी कहा, हमारा अपना वजीर आजम था, हमारा अपना सदर रियासत था, शेख साहब मरहूम ने क्यों वजीर आजम का ओहदा छोड़ने के बाद उनसे लिया गया, वजीर आला की कुर्सी पर हाथ लिया। लिहाजा उमर साहब को चाहिए कि दो के बाद करें, 96 से लेके अब पिछला छोड़ें, 96 से लेके 2002 तक एनसी की गवर्नमेंट थी, 2008 से लेके 2014 तक एनसी की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने आगामी की करारदाद जो मंजूर करवाई फिर इंप्लीमेंट नहीं की। आपसे मेरी बात, कांग्रेस में वो कोलेशन में थे, कांग्रेस के साथ मिलकर उनको चाहिए था अपना वजीर आजम लेते। ये सारे अंगूर खट्टे हैं, मुझे हरा खेन हराम। मेरे भाई मेरी बात सुनिए, जो शख्स अफजल गुरु की लाश नहीं बचा सका, जिस शख्स ने मुझे असेंबली के अंदर अफजल गुरु की करारदाद माफी की करारदाद पेश करने की इजाजत नहीं दी, वो बता क्या करेगा? वो लोगों को पता है, यही वजह है कि 58 सीटों से लेकर आज वो 15 सीटों पर आ गए और अगले इलेक्शन में उनका एड्रेस भी कहीं मिलेगा। सबसे कोई रास्ता नहीं है। लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर सारे लोग हिंदुस्तान का साथ देते हैं रायशुमारी में, हम हिंदुस्तानी बनेंगे, लेकिन लोग फैसला करें। हम इतना ही कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ने जो वादे हमारे साथ किए हैं उन्हीं को पूरा करें, क्योंकि नेहरू जी की रूह मुझे हर रोज आती है, कहते हैं मोदी को याद दिला, मेरा वादा पूरा करो।